खबर औरैया से है। यहां बिदुना कोतावली क्षेत्र के नारायणपुर भानु गांव में 6 फरवरी को किशोरी की संदिग्ध मौत का खुलासा करते हुए एसपी अपर्णा गौतम ने बताया कि किशोरी की सगे चचेरे भाई राजेश ने ही गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी और घटना को आत्महत्या का रूप देकर पुलिस को गुमराह कर दिया था। आपको बता दें कि नारायणपुर भानु गांव में 6 फरवरी को 16 वर्षीय किशोरी की घर के अंदर संदिग्ध हालत में शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों को बच्ची का शव उस समय मिला जब वह खेत से काम करके लौटे थे। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर किशोरी के माता पिता और उनके सहयोगियों पर ही हत्या और साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। दिनांक 6 फरवरी को थाना बिदुना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव है नारायणपुर भानु, वहां पर एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम पहुंची और जो थाने की फोर्स थी वो मौके पर पहुंची और शव को वहां से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। शव का जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें जो मृत्यु का कारण था वो गला दबाने से हत्या होना आया, यानी थ्रॉटलिंग आया। इस संबंध में क्योंकि एक फौती सूचना हमको गलत दी गई थी कि आत्महत्या करी है, तो उस पर हमने पुलिस ने एक अपनी तरफ से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया और प्रथम दृष्टया ये ऑनर किलिंग का केस लग रहा था। उसके बाद जब गहनता से इसमें छानबीन की गई तो पाया गया कि एक लड़का जो कि इसी का चचेरा भाई है वो लड़की पर गंदी नज़र रखता था और एक दिन जिस दिन घटना का दिनांक है उस दिन ये अपने जो माता पिता हैं वो खेत पर चले गए थे अपने और लड़की को अकेला पाकर ये उनके घर में घुसा और घर में घुसकर लड़की के साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके बाद उसने लड़की को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद सभी लोगों को ये बताया पूछे जाने पर कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है और उसी ने उसको, लड़के ने ही उसको फंदे से उतारा है। इस संबंध में थाना बिदुना पुलिस द्वारा बहुत ही अथक प्रयास करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया गया है और इसमें जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने भी जो पुलिस का भूमिका है और पुलिस ने जिस तरीके से अनावरण किया है उसकी उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जांच के बाद पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आने पर सगे चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुल गया। आरोपी युवक ने पूछताछ में बताया कि 6 फरवरी को जब किशोरी के परिजन खेत पर काम करने गए थे तो वह छत के रास्ते घर में घुस आया था और बुरी नीयत से किशोरी को दबोच लिया, जिसका विरोध करने व परिजनों को बात बताने की बात कहने पर आरोपी चचेरे भाई राजेश ने गला दबाकर किशोरी की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।